सालों में हमने तेलंगाना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है। तेलंगाना में करीब 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 23 राष्ट्रीय राजमार्ग 23 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे परियोजना में 400 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। इसके अलावा सैकड़ों करोड़ के हैदराबाद रीजनल रिंग रोड योजना भी है। इससे संगारेड्डी, तुप्रान, चोटुम्पल, अमंगल और शंकरपल्ली क्षेत्र जुड़ेंगे। सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया गया है। कांचीगुड़ा बेंगलुरु, सिकंदराबाद पुणे और सिकंदराबाद तिरुपति के बीच भी वंदे भारत चलाई जा रही है। इन सारे प्रोजेक्ट से तेलंगाना युवाओं को काफी लाभ होगा, इन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी के इन प्रयासों के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, कांग्रेस और बीआरएस कभी भी उन प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ने नहीं देंगे। हर कदम पर ये प्रोजेक्ट का इस्तेमाल एटीएम की तरह करेंगे और हर वो हथकंडा अपनाएंगे कि प्रोजेक्ट डिरेल हो जाए। जब तक उनकी जेब नहीं भरेगी कोई काम होने नहीं देंगे। इसलिए जरूरी है कि तेलंगाना में भी डबल इंजन की सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने। साथियों, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा किसानों के लिए काम करने का रहा है। देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी गई है। तेलंगाना में ऐसे 40 लाख किसान हैं जिन्हें इसका लाभ हुआ है। इसके अलावा केंद्र सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी का भी लाभ किसानों को देती है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में यूरिया की बोरी 2.5 से 3 हजार रुपए तक में पड़ती है। भारत को भी प्रति बोरी यूरिया इतने ही खर्च करना पड़ता है लाने के लिए, लेकिन बीजेपी सरकार वो बोरी भले महंगी लाए लेकिन मेरे किसान को तो 300 से भी कम रुपए में मुहैया करा देती है। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीते वर्षों में यहां पैड़ी की 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदी हुई है। केंद्र सरकार किसानों से बॉइल्ड राइस भी लेती है। अब हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि इस खरीफ सीजन में तेलंगाना के किसानों से 20 लाख मैट्रिक टन बॉइल्ड राइस अतिरिक्त खरीदा जाएगा। इससे एमएसपी का और ज्यादा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी एक ऐसी